जटाशंकर गुरुद्वारा कमेटी द्वारा 79वां रक्तदान शिविर का आयोजन गुरुद्वारा परिसर में किया गया। इस अवसर पर रक्तदाताओं ने रक्तदान कर अपना योगदान दिया, जिसके संबंध में जटाशंकर गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष जसपाल सिंह ने बताया कि पिछले कई महीने से जटाशंकर गुरुद्वारा पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और हर धर्म के अनुयायी रक्तदान शिविर में आकर रक्तदान करते हैं। उसी क्रम में 79वां रक्तदान शिविर लगाया गया है, जिसको देखते हुए लोग रक्तदान शिविर में आ रहे हैं और रक्तदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से हार्ट अटैक, कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है और शरीर को कोई नुकसान भी नहीं होता। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के रक्तदान करने से 4 व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है, जो एक पुण्य का कार्य है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जटाशंकर गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष जसपाल सिंह ने कहा, जसपाल सिंह ने अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा करना शुरू। पिछले कई वर्षों से गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर में श्री गुरु नानक देव निःशुल्क रक्तदान सेवा सोसाइटी एवं श्री गुरु गोरक्षनाथ ब्लड बैंक के सहयोग से रक्तदान शिविर लगाया। हम लोग किसी भी धर्म का कोई भी अनुयायी आता है वो रक्तदान करता है, तो आज हम लोगों ने पुनः 79th अपना रक्तदान शिविर लगा रहे हैं, जिसमें सुबह से लोग रक्तदान कर रहे हैं। इस समय हमारे भाई, छोटे भाई जगनैन सिंह नीटू जी रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। बहुत अफसोस होता है जब हमको रक्त की जरूरत पड़ती है, तब तो हम सब जगह रक्त मांगते हैं। स्वस्थ होने के बाद भी हम अपने घर के सदस्य को रक्त नहीं देना चाहते हैं, बहुत मजबूरी में रक्त देना चाहते हैं। आज इतना एजुकेशन होने के बाद भी, इतना प्रचार प्रसार होने के बाद भी, एक सामान्य व्यक्ति रक्तदान करना नहीं चाहता है। हम लोग का ये प्रयास रहता है कि रक्तदान करवाया जाए, क्योंकि रक्तदान से हमको अपने अनेक फायदे हैं, जैसे हार्ट अटैक, कैंसर आदि के चांसेस कम हो जाते हैं, स्ट्रोक के चांसेस कम हो जाते हैं। और रक्तदान करने से हमारा कुछ भी नुकसान नहीं होता है। हमारा जो रक्त निकल रहा है, इसका वॉल्यूम जो है 24 घंटे के अंदर पूरा हो जाएगा और रक्त क्वालिटी जो है 21 दिन के अंदर पूरी हो जाती है। हमारे बॉडी में जो क्वालिटी है वो 21 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी। तो इसलिए हमको सबको रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि एक रक्तदान से आज के युग में 4 आदमियों की जीवन बचता है। और यदि हम लोग, हमारी बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी 130 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या है, लेकिन हम 1% भी रक्तदान नहीं करते हैं। अगर 1% भी रक्तदान किया जाए, तो आज हमको ब्लड बैंकों में रक्त की कमी ना हो। हम लोग का यही प्रयास है, कम से गोरखपुर में अपने रक्त बैंकों को रक्त से भर दिया जाए, ताकि जब कोई जाए तो उसको वहाँ पर रक्त नहीं दें, क्योंकि रक्त का विकल्प केवल रक्त ही है। जब आज हम अपने बैंकों में रक्त रखे रहते हैं, तो आज हमारे पास कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको हम अपना कार्ड देते हैं, वो गोरखनाथ ब्लड बैंक से जाके अपना रक्त ले लेता है। तो ये बहुत दुख की बात है कि अभी भी इतना प्रयास करने के बाद भी अभी लोग, सामान्य लोग रक्तदान नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक हम लोग को उत्साह भी मिलता है कि आज हमारे पास 100 से ऊपर ऐसे रक्तदाता हैं जो कि निरंतर हर 3 माह पर स्वयं आकर रक्तदान करते हैं और शहर में किसी भी व्यक्ति को जरूरत होती है तो उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। अभी तक कितने लोगों ने रक्तदान यहाँ पर कर चुके हैं? 30 व्यक्ति रक्तदान कर चुके हैं। कब तक चलता रहेगा कार्यक्रम? ये 2 बजे तक चलेगा।